नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। विकास गुप्ता ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उनका दर्द छलकता नजर आया। जी हां, विकास गुप्ता के पोस्ट में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिला। उनको बचपन में लोग जनानी कहकर चिढ़ाते थे। क्या है विकास गुप्ता से जुड़ी ये पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, बिग बॉस फेम विकास गुप्ता अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर हमेशा से ही काफी चर्चाओं में रहे हैं। वो हमेशा से इस बारे में न सिर्फ खुलकर बात करते हैं बल्कि इस बारे में पूछे गए सवालों का भी काफी खूबसूरती से जवाब देते नजर आते हैं। हाल ही में विकास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने इससे जुड़ी अपने अतीत की कुछ यादें साझा की हैं। पोस्ट में विकास ने बताया कि किस तरह उन्हें स्कूल, कॉलोनी और होम टाउन की सीनियर लड़कियों और लड़कों द्वारा बुली किया गया था और उनके होठों और हाव भाव का मजाक बनाया गया था। विकास ने इसे अपनी पहली प्राइड पोस्ट कहा है और कैप्शन में लिखा है, जब मैं छोटा था तब से ही बाकी सीनियर्स या मेरे स्टार्स के बच्चे मुझे चिढ़ाया करते थे और फिर जब मैं समर वैकेशन में अपने घर आता और शाम को कॉलोनी के लड़के, यहाँ तक कि सीनियर लड़कियाँ भी, इसको देखो कैसे लड़कियों की तरफ बातें करता है, ये विकास तो है ही लड़की, इसके हाथ कैसे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या लिखा है विकास ने। विकास ने इसके अलावा लिखा, ये तो दिखता भी लड़कियों की तरह है, इसके लिप्स देख, ये लड़ाई भी नहीं करता, डरपोक है लड़कियों की तरह, चलो इस बारे में बात करते हैं। और वो हंसती थी मेरी बातों पर और मेरे चेहरे पर और चली जाया करती थी ये कहते हुए कि ये तो एकदम जनानी है। उन्होंने कहा, मैंने वाकई बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर दिया था और मुझे लगने लगा था कि लड़की कहा जाना सबसे बुरी बेइज्जती और गाली है, क्योंकि लड़कियां कमजोर और बेचारी होती हैं, उन्हें देखभाल और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और मैं उनकी तरह नहीं हूँ जब तक मैं बालाजी टेलीफिल्म्स के 5वें फ्लोर पर नहीं पहुंचा। विकास ने लिखा, मैं एकता कपूर से मिला और बाकी जो है वो मेरी जिंदगी है, जिसे मैंने सीखा है कि महिला होने में क्या शक्ति होती है। तो ट्रोलर्स और फर्जी आईडी इस्तेमाल करने वाली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, शुक्रिया मुझे जनानी कहने के लिए। और बेवकूफों, मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें पैदा करने वाली भी एक जनानी है। जब भी तुम हम में से किसी को जनानी कहते हो तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इंसल्ट नहीं। फिजिकली स्ट्रांग होने के बारे में विकास ने अपनी पोस्ट में कहा, लोगों में न जाने क्यों ये पूर्वाभास है कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, शायद इसलिए कि मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ और कहानियों में जिम से ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। वो गलत फहमी, मैं बिग बॉस 11 के आखिरी में एक बार नहीं दो दो बार एप्स की दुकानों के साथ बाकी इंडिया को बता और दिखा चुका हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखा है विकास गुप्ता ने। विकास गुप्ता ने इस बारे में बताया है जिसमें दिखा है काफी दर्द। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।